हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर जाता है। दोस्तों, हर कोई हमेशा जवान दिखना चाहता है, खूबसूरत रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। और दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, जवान रहने के लिए हम तरह तरह की चीजें सेवन करते हैं। यूट्यूब पर, इंटरनेट पर आपने काफी सारी वीडियोज देखी होंगी जिनमें आपको ये बताया जाता है कि ये खा लीजिए, वो ले लीजिए, एंटी एजिंग हो जाएंगे, बूढ़े नहीं होंगे, ताकत आएगी, चेहरे पर चमक रहेगी, बाल आपके जलेंगे नहीं, आप मोटे नहीं होंगे, जिनको कमजोरी रहती है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप ये सब चीजें ट्राई तो करके देखते हैं लेकिन आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के हिसाब से, यानी आयुर्वेद की जो हमारी किताब है अष्टांग हृदयम, उसमें जो वर्णन किया गया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बुढ़ापे को दूर रखने के लिए हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए। पांच चीजें हमारे आयुर्वेद में ऐसी हैं जिनको अगर रात को पानी में एक चम्मच भिगो करके खाया जाए और सुबह सुबह उसका सेवन किया जाए तो आप अपने शरीर को कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा और बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि ये पांच चीजें कौन सी हैं जो आपको रात में भिगो करके दिन में खानी चाहिए। साथ ही मैं आपको इन चीजों के फायदे भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, आपके लाइक करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको रात को पानी में भिगो कर रखनी है वो है ये अलसी, यानी फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, अलसी में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, खासकर वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ही अच्छी डाइट है। जो लोग महंगे ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए अलसी बहुत ही फायदेमंद है। ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती और इतना ज्यादा गुणकारी होती है, इसमें अखरोट से भी ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। दोस्तों, आपको रात को एक चम्मच अलसी को पानी में भिगो कर रख देना है और अगली सुबह बिल्कुल खाली पेट, बिना कुछ खाए पिए आपको इस अलसी का सेवन करना है। आपको क्या करना है, अलसी के बीजों को अच्छी तरह से चबा कर खा लो और साथ ही इसका जो पानी है वो भी आपको पी लेना है। दोस्तों, अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो इससे जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही आपका जो दिल है वो भी स्वस्थ रहेगा। ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हड्डियों मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, इसका सेवन अगर आप रोजाना करते हैं तो आपका दिल स्वस्थ रहता है, आपको हार्ट की बीमारियां नहीं होती, कोई भी हृदय रोग से आप बचे रहते हैं। दोस्तों, साथ ही आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आती है, आपके बाल उम्र से पहले सफेद नहीं होते, आपके बालों की सभी प्रॉब्लम्स, जैसे बालों का टूटना, झड़ना, पतला होना, ग्रोथ ना होना या फिर व्हाइट हेयर्स की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, ये एंटी एजिंग फूड्स की कैटेगरी में आता है। अगर आप रोजाना अलसी को खाते हैं, अलसी को भिगो करके खाते हैं तो आपके चेहरे पर बुढ़ापा नहीं आता है, झुर्रियां नहीं आती है और ये हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। और दोस्तों, अगर आप इसको भिगो करके खाते हैं तो इसके जो पोषक तत्व होते हैं उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो रात को सोते समय आपको एक चम्मच अलसी को पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह सुबह खाली पेट आपको इसका सेवन करना है। तो चलिए बात करते हैं दूसरी कौन सी चीज है जो आपको पानी में भिगो करके रखनी है। वो चीज है दोस्तों ये खसखस, जिनको हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं या पोस्त दाना भी बोला जाता है इनको। दोस्तों, खसखस में भरपूर मात्रा में थायमिन होता है, फॉलेट होता है, विटामिन B12 होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और दोस्तों इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती है। दोस्तों, अगर आपको हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में परेशानी रहती है, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी रहती है, थकान रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, इसके अलावा जिनको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, हमेशा आलस और सुस्ती सी महसूस होती है, खासकर आजकल की जो जनरेशन है जिनको आलस बहुत ज्यादा रहता है, सुस्ती आती है या फिर नींद ना आने की समस्या रहती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल लो रहता है, उनके लिए खसखस पानी में भिगो करके खाना बहुत ही फायदेमंद है। बस आपको क्या करना है, आपको एक चम्मच खसखस को रात को सोते समय पानी में भिगो देना है और सुबह
सुबह सुबह आपको खाली पेट इसका सेवन करना है और साथ ही इसका जो पानी है उसको भी पी लेना है। दूसरा, जिन लोगों का वजन किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है वो रात को रोजाना खसखस को पानी में भिगो करके खाएं, इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और वजन तेजी से कम होगा। दोस्तों, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है जिससे आपको देर तक भूख नहीं लगती। साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जो कि आपको रात को पानी में भिगोकर रखनी है, वो है मुनक्का। दोस्तों, मुनक्का में बहुत ही भारी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन B12 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें काफी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं यानी खनिज तत्व होते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है जो कि जल्दी आपके शरीर में बुढ़ापा नहीं आने देती। देखिए, बुढ़ापा तो सभी को एक ना एक दिन आना ही है, लेकिन किसी को जल्दी आ सकता है, किसी को थोड़ा देरी से आता है। दोस्तों, ये क्या करता है, ये आपके शरीर में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसको स्लो कर देता है और जिससे आपकी जो एजिंग होती है वो डिले हो जाती है। साथ ही खासकर सर्दी का सीजन जैसे आ रहा है तो मुनक्का आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनको छाती में हमेशा कफ रहता है, जुकाम खांसी की समस्या रहती है, उनको रात को रोजाना 4 से 5 मुनक्के पानी में भिगो करके सुबह सुबह उसका सेवन करना चाहिए। इससे आपका जो छाती में जमा हुआ सारा कफ है वो निकल जाता है। और दोस्तों, जिनको खून की कमी रहती है उन्हें तो रोजाना मुनक्के का सेवन जरूर करना चाहिए, उनके लिए तो ये एक वरदान की तरह है। क्या करना है, 8 से 10 मुनक्कों को रात को पानी में भिगो देना है और सुबह सुबह खाली पेट आपको इन मुनक्कों को चबा चबा कर अच्छे तरीके से खाना है और साथ ही इसका जो पानी है उसको भी पी लें। इससे क्या होगा, कुछ ही दिनों में आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और साथ ही आपकी जो शारीरिक कमजोरी है वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं अगली चीज़ की जो हमें रात को भिगो करके सुबह उसका सेवन करना चाहिए, वो चीज़ है दोस्तों मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके आपकी हड्डियों जोड़ों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा एक DHT ब्लॉकर होता है खास करके पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। ये उनकी एजिंग को डिले करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को जड़ों से मजबूत करता है, बालों की लंबाई को बढ़ाता है, उनके झड़ने को रोकता है। उम्र से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको ये दोबारा से रिवर्स करने में मदद करता है। पेट के लिए बहुत अच्छा होता है यानी कि जिनको खाना नहीं पचता है, कब्ज़ की समस्या रहती है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा कम खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट जो है वो बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। और दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि हम तो 10-10, 20-20 रोटी खाते हैं तब भी हमारा वज़न नहीं बढ़ता। उसका कारण क्या होता है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म खराब होता है उनका वजन तेजी से बढ़ता है और जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उनको खाना तेजी से पच जाता है और वो मोटापे में नहीं बदलता। और दोस्तों, मेथी दाना आपकी पाचन क्रिया को तेज करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही आपकी आंखों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। जिनको डायबिटीज की समस्या रहती है उनके लिए, जिनको हाई BP की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों, जिनको अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, जॉइंट पेन की अगर आपको समस्या है तो आपके लिए मेथी दाने से बेहतर कोई भी दवा नहीं है। दोस्तों, ये वात नाशक होता है यानी आपका जो जोड़ों और घुटनों का दर्द है उसको खत्म करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें भारी मात्रा में एंटी एजिंग तत्व होते हैं जो कि आपकी एजिंग को डिले करते हैं यानी जल्दी आपको बुढ़ापा नहीं आने देते, यानी चेहरे पर झुर्रियां नहीं आने देते, चेहरे की चमक बरकरार रहती है, बाल जल्दी से सफ़ेद नहीं होते, चेहरे को टाइट रखते हैं, पिंपल्स नहीं होने देते, झुर्रियां नहीं होने देते। ये आपके स्ट्रेस को सप्रेस करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप रात को मेथी दाना भिगो करके सुबह खाते हैं तो आपका माइंड एकदम कूल रहता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता। चलिए बात करते हैं पांचवी और आखिरी चीज़ जो आपको रात को सोते समय भिगो करके खानी चाहिए, वो है दोस्तों ये काले चने।
दोस्तों आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है, खाने पीने का टाइम नहीं होता, सोने का टाइम नहीं होता, लोगों में स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, डिप्रेशन इतना ज्यादा होता है पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से, करियर की वजह से, रात को देर देर तक जागना, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में लगे रहना, जिससे जो है हमारा पाचन क्रिया बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे कि शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगती, शरीर की चुस्ती फुर्ती खत्म हो जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। खास करके पुरुषों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। आपको क्या करना है, रात को एक मुट्ठी आपको देसी चना लेना है और पानी में आपको भिगो देना है, सुबह सुबह खाली पेट आपको इनका सेवन करना है और साथ ही चनों का पानी भी पी लेना है। तो दोस्तों ये इतनी ज्यादा जबरदस्त ताकत देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके शरीर की सारी कमजोरी, सारी वीकनेस, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, पाचन क्रिया बेहतर हो जाएगी और शरीर में बहुत ही जबरदस्त चुस्ती और फुर्ती महसूस होगी। दोस्तों ये पांचों चीजें जो मैंने आपको बताई, ये आपके सेहत की दृष्टि से, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वो इससे फायदा ले सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।